ओके अप्रैल 2022 वील स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या लिखा है देखो, एन इंजीनियर इज कंसिडरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन ऑक्यूपाई अ लिफ्ट. इन पर्टिकुलर द इंजीनियर वॉन्ट्स टू असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडिंग अ मैक्सिमम वेट. वेन 8 पीपल आर अलाउड टू यूज द लिफ्ट एट द सेम टाइम कंपेयर टू 9 पीपल. तो बेसिकली ऑक्यूपेंसी चेक करें लिफ्ट का, ठीक है. अज्यूम दैट टोटल वेट ऑफ 8 पीपल चोजन एट रैंडम फॉलोज अ. हम लोग ये पेपर कर चुके हैं क्या? आई हैव डन दिस क्वेश्चन मे बी इन क्लासेस, जब हम लोग पास पेपर्स का रैंडम क्वेश्चन करते थे तब किया होगा. द टोटल वेट ऑफ 8 पीपल चोजन एट रैंडम फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये हो गया मीन स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस इज फॉर 8 पीपल, ठीक है. वही चीज बोल रहे हैं, द टोटल वेट ऑफ 9 पीपल चोजन एट रैंडम फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल वेट ऑफ द 8 पीपल विल एक्सीड 650. कैसे करेंगे बोलो. आंसर वन वेरी इजी. हाँ कौन सा फंक्शन? पी नॉर्म पी नॉर्म फंक्शन. सो पी नॉर्म कितना दिया है? 650. मीन कितना? 560. एंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है? 57. अब ये करने से लेस देन इक्वल्स टू आएगा, हमें ग्रेटर देन बोला है. प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बोला है तो लोअर टेल फॉल्स कर दो या वन माइनस कर दो, वॉट एवर. एंड दिस इज द आंसर 5.7%. सो 5.7% ऑफ द टाइम्स वी विल सी दैट द वेट विल एक्सीड 650 kgs, ठीक है. सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल वेट ऑफ 9 पीपल विल एक्सीड 650. अगेन द सेम थिंग, जस्ट दैट क्या करना है? मीन स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज करना है खाली. मीन कितना है सेकेंड वाले का? 30 एंड 61 स्टैंडर्ड डेविएशन 630 एंड 61 इज द स्टैंडर्ड डिविएशन. अगेन ऑब्वियसली इसका हाई आएगा प्रोबेबिलिटी. 37 आ रहा है. 37 प्रोबेबिलिटी है, 37% कि वो 650 का वेट एक्सीड करेगा. कमेंट ऑन योर आंसर्स. तो ऑब्वियसली हम लोग ये कमेंट करेंगे दैट वी सी दैट द मोर नंबर ऑफ पीपल एंटर द लिफ्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडिंग द 650 kgs विल इंक्रीज. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडिंग 650 kg इज स्मॉल विथ 8 पीपल एंड कंसिडरेबली वेरी हाई विथ 9 पीपल. एक इंसान और आएगा तो उससे इतना का डिफरेंस आपका आ जा रहा है, सीधा 5% से 37% पे आ जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट बोल रहे हैं, कैलकुलेट द इंटरवल फॉर द सेंट्रल रीजन कंटेनिंग हा मुस्कान. मैम, इसमें ऊपर ऐसे लिखना है कि लेट एक्स फॉलो दिस एंड ये पूछिए प्रोबेबिलिटी, ऐसे कमेंट लिखना. नहीं लिख सकते हो, खाली एक लाइन लिख सकते हो, एक्स फॉलोज दिस एंड देन कैलकुलेट द इंटरवल. कैलकुलेट द इंटरवल लिख सकते हैं, मतलब आप लोग ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे आप लोग लिखोगे दैट x1 x2 कर लो ना, तो x1 फॉलोज नॉर्मल जो भी है एंड x2 फॉलोज नॉर्मल. एंड देन आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 650, ठीक है. कैलकुलेट द इंटरवल ऑफ द सेंट्रल रीजन कंटेनिंग 80% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल वेट ऑफ 8 पीपल. मतलब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बन रहा है, आपको वो बीच का 80% का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है. करेक्ट, 10% इधर और 10% इधर. वेरी गुड, ठीक है. कौन सा फंक्शन? कौन सा फंक्शन आपको 10th? तो आप लोग लिखोगे ऑब्टेनिंग द 10th
परसेंटाइल एंड द 90th परसेंटाइल वैल्यू, कौन सा फंक्शन? बोलो। हाँ तो कौन सा? क्यू नॉर्म। परसेंटाइल वैल्यू 0.1 कॉमा कितना था, 560 या 57? 560 57, ये हो गया आपका लोअर कॉन्फिडेंस लेवल और ये हो जाएगा अपर। तो हम लोग का हेंस आप लोग लिखोगे 80% कॉन्फिडेंस लेवल या इंटरवल, सॉरी 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज दिस। ठीक है, द 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज दिस। पूरा लिखोगे, मैं नहीं लिख रही। नाउ अज्यूम दैट द टोटल वेट ऑफ द 8 पीपल चोजन फॉलोज गामा। अब गामा दे दिया अल्फा लैम्डा के साथ। कैलकुलेट द इंटरवल अगेंस्ट 80% ऑफ द टोटल वेट ऑफ 8 पीपल। तो वापस सेम, बट अब आपको लिखना है, नाउ लेट एक्स 3 ले लो या एक्स 1 ही ले लो क्योंकि वो चेंज हो रहा है। फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो भी दिया हुआ है, विद 96.6 एंड 0.71। तो अब हम लोग को सेम चीज, बट हम लोग को कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, कौन फंक्शन, गामा। तो क्यू गामा यूज करेंगे, 0.1 कॉमा 96 बोला, 96 पॉइंट और 17, ये हो गया। इसमें ये आ रहा है 488.634। ठीक है, कमेंट तो हम लोग एक बार विथ चेक कर लेते हैं और फिर कमेंट करने में इजी रहेगा। विथ कैसे चेक करेंगे, विथ कैसे चेक करेंगे, माइनस करके एक बार चेक करके बताओ। तो फिर तुम लोग देखोगे इंटरवल ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा क्योंकि यहाँ 486.633 है और यहाँ पे 488.634 है, एक बढ़ गया इधर तो एक कम हो गया इधर, वैसे करके तो ऑलमोस्ट सिमिलर। एक बार मुझे अगर बताओ तो आप लोग बोलोगे कि विथ ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है? अगर हम लोग गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, मीन क्या होता है, अल्फा बाय लैम्डा, यस और नो? गामा का मीन क्या होता है, क्या हो गया तुमको? अल्फा बाय लैम्डा विच इज क्लोज टू 560। यस मैम। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का? अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर इज द वेरियंस एक्चुअली। हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या 57 है, देखो 56.9। सो सिंस आर मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर, hence the intervals that we are getting is also same. However, normal distribution is symmetric and this is gamma is positively skewed. But since mean and variance same hai, to isliye hum log bol sakte hain ki similar answer aa raha hai. And kyunki hum log gamma ko bhi normal approximation se kar sakte hain, to aapka kyunki mean itna high aa raha hai 556 559 सॉरी विच इज वेरी हाई, तो आप इसको नॉर्मल अप्रोक्सीमेट करोगे तो आपको अच्छा आंसर मिलेगा। दिस ऑल्सो यू कैन राइट, सिंस द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी बिग, वी कैन, इट्स क्लोजर टू, इट बिकम्स क्लोजर टू नॉर्मल। एवरी डिस्ट्रीब्यूशन विल टेंड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ यू इंक्रीज सम वैल्यू, है ना? वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू में आ जाओ। Simulate a sample of 100 values from beta distribution with parameters 3.1. Set dot seed दिया हुआ है हम लोग को, इसको value को ले लेंगे। बोला है, part A है,
सिमुलेट 100 वैल्यूज फ्रॉम बीटा, तो कौन सा फंक्शन? आर बीटा। आर बीटा, वेरी गुड। 3,1, सो 100,3,1। इफ यू ऑल वॉन्ट यू ऑल कैन चेक द हेड ऑफ एक्स। प्लॉट अ हिस्टोग्राम ऑफ द सैंपल, करो तो खुद से प्लॉट करो, तो ट्राई करो खुद से प्लॉट करने का, टाइटल देने का। वेट क्यों कर रहे? कर आगे खुद से, टेस्ट में क्या करेगा वेट? टाइटल क्या देगा इसमें? देख के मत बोलो आंसर। हिस्टोग्राम ऑफ 100 वैल्यूज फ्रॉम बीटा 3,1 डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट। कमेंट ऑन द शेप, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हेविली स्क्यूड है? नहीं, हेविली स्क्यूड मतलब प्रॉपर, हेविली नेगेटिवली हेविली भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली हेविली भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वैसे तो नेगेटिव स्क्यूड है, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे दैट दिस इज कंसिस्टेंट विथ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यूजली बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, बट यहाँ पे ये दिख रहा है नेगेटिव, ये होता है नेगेटिवली स्क्यूड। ऐसा क्यों? क्यों है नेगेटिवली स्क्यूड? पेज 13 ऑफ टेबल बुक, क्योंकि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। वेरी गुड। अल्फा जब ग्रेटर देन बीटा होगा तो नेगेटिवली स्क्यूड होता है, लेस देन होता है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है, सिंस अल्फा 3 इज ग्रेटर देन बीटा 1, हेंस इट्स अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यू कैन ऑल्सो चेक द टेबल बुक ऑफ आई थिंक पेज नंबर 13 के अराउंड जो भी है। ठीक है, परफॉर्म 1,000 रिपीटेशन ऑफ द सिमुलेशन इन पार्ट 1A। यू शुड कंप्यूट एंड स्टोर द वैल्यू ऑफ द मीन ऑफ द सैंपल फॉर ईच रिपीटेशन। सो अब आपको सैंपल साइज आपका 100 ही है, बट आपको क्या करना है, 100 सैंपल वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम बीटा एंड उसका मीन स्टोर करना है, एंड दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड हाउ मेनी 1,000 टाइम्स। खुद से रन करो एक बार, आई विल वेट। लूप बनाओ खुद से, खुशी ने भेज दिया है, वेरी गुड खुशी, करेक्ट। आई जस्ट टेक खुशी कोड एंड अब मैं ये करूंगी, अब तुम लोग को बोलूंगी तुम लोग कोड भेजो मेरे को, मैं इधर से कॉपी पेस्ट करूंगी। पढ़ने का नहीं भेज दिया है, बट सिंस खुशी ने पहले भेजा है विल टेक हर कोड। सो सीड वैल्यू है
mean estimate, numeric 1000, you can also use repeat 1000 comma 0, it's the same thing. ठीक है, seed and for loop, I देख लो goes from 1 to 1000, r beta 100, तो आप क्या कर रहे हो, sample, आप यहाँ पे x भी लिख सकते थे, doesn't matter, आप 100 का sample उठा रहे हो and उसका mean डाल रहे हो हर एक value में, तो उसको run करो and maybe you can check the head of mean estimate. ये वाला तो बहुत ही easy सम हो गया हम लोग के लिए. प्लॉट अ हिस्टोग्राम ऑफ 1000 सैंपल मीन्स, तो जो भी हमारा मीन आ रहा है उसका हिस्टोग्राम बनाएंगे मीन एस्टिमेट का, देख लो. एंड ऑब्वियसली इसमें कमेंट टाइटल दे देना प्लीज, टाइटल क्या दोगे, हिस्टोग्राम ऑफ सैंपल मीन, हिस्टोग्राम ऑफ 1000 सैंपल मीन्स, 1000 सिमुलेटेड सैंपल मीन्स ऑफ फ्रॉम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो अब इसमें पार्ट सी में बोला है कमेंट ऑन द शेप ऑफ द हिस्टोग्राम एंड फंडामेंटल स्टेटिस्टिकल प्रॉपर्टी विच इट इज रेफरिंग टू. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सैंपल मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप ले लिया है, तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कितने मार्क्स का ये, 2 मार्क का है. तो सुन लो, पहले लिखोगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन लुक्स सिमेट्रिकल या बेल शेप्ड, या सिमेट्रिकल वर्ड इज करेक्ट. दिस डेमोन्स्ट्रेट्स कौन सा प्रॉपर्टी, तुम क्या, तुम जा क्लास से जा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम. तो ये ऐसे नहीं करना है क्लास में, सुनना है बाद में लिखना है. हाँ, कौन सा प्रॉपर्टी बोलो, कौन सा प्रॉपर्टी डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है इससे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम. ऐसे तुम पढ़ ही नहीं पाएगा, ऐसे तुम क्यों कर रहे क्लास. सेंट्रल लिमिट थ्योरम जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, दैट सैंपल मीन is approximated using normal distribution for when your sample size is large. और यहाँ sample size क्या है, 100 है sample size. ठीक है, sample size 100 है क्योंकि वो बहुत लार्ज है, इसीलिए your sample mean looks like a normal distribution. ठीक है, okay, next. For the remaining parts of the question, consider the small data set. ये वाला पूरा data दिया हुआ है, इस data को copy कर लेंगे. अब बोल रहे हैं determine 90% confidence interval for the population mean of these data, stating any assumptions that you make. 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन. अब क्योंकि हम लोग को कुछ, क्या आपको कुछ दिया हुआ है यहाँ पे कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, सो एंड सो फोर्थ, ऐसा कुछ दिया है, तो एक अजम्पशन अपने मन से बनाना है एंड अपने मन से अजम्पशन बना के इसका हम लोगों को 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है पॉपुलेशन मीन ऑफ दिस डेटा का. कैसे करेंगे, वेरी गुड, इट फॉलोज नॉर्मल, आप लोग अजम्पशन लिख सकते हो दैट इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी जो हमने किया लास्ट पेपर में, तो टी डॉट टेस्ट यूज कर सकते हैं, उसमें आपको डेटा में 90% कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाएगा. या फिर इफ यू ऑल रिमेम्बर क्या होता था, मीन म्यू प्लस माइनस, बोलो मीन प्लस माइनस, और ये 90% कौन प्लस माइनस जो भी 95% का ही वैल्यू, क्योंकि 90% है ना, इनटू क्या, एस बाय रूट स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट एन. ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, बट टी डॉट टेस्ट ही लगा देते हैं डायरेक्टली. सो अज्यूमिंग दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, वी विल यूज टी डॉट टेस्ट वाई कॉमा, कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0.9, क्योंकि 90% बोला है. ठीक है, ये देख लो हमारा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया.
Determine an estimate of the standard error of the sample mean using these data. Determine an estimate of standard error of the sample mean using these data. क्या करना है? ST by root n. स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं? SD by root n है ना? तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ पे है इज SD ऑफ y डिवाइडेड बाय रूट n, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ y. आंसर देख लो. स्टैंडर्ड एरर इज व्हाट? स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट n. स्टैंडर्ड डिविएशन बाय रूट n, पार्ट 5. ये वाला कोड लिखो खुद से. डिटरमाइन एन एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन यूजिंग बूटस्ट्रैप. साइज होगा 10,000. यूजिंग दिस कमांड टू इनिशियलाइज रैंडम नंबर बिफोर यू स्टार्ट द बूटस्ट्रैप सैंपलिंग. मतलब अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को कितना बार सिमुलेशन रन करना है? 10,000 टाइम्स सिमुलेशन रन करना है. और ये जो y हम लोग को दिया है, बूटस्ट्रैप मेथड मतलब विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशनल अजम्पशन. देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशनल अजम्पशन दैट वी विल बी मेकिंग ओवर हियर. ये जो आपको y का वैल्यूज दिया है, इसी में से रैंडमली हम लोग वैल्यूज निकालेंगे विथ रिप्लेसमेंट. उसका हम लोग क्या ढूंढेंगे? फिर स्टैंडर्ड एरर. स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन बोला है ना, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन हम लोग ढूंढेंगे. ठीक है, करो. बूटस्ट्रैप बोले तो हम लोग पहले तो 10,000 हम लोग का मीन आ जाएगा. 10,000 मीन आ गया, उसका आप लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है. ठीक है, 10,000 मीन है, उसका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. प्लीज डोंट यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि यहां पे एक सेट ऑफ y वैल्यूज है, तो उसका जब हम लोग को स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन निकालने बोलता है, तो हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दैट थिंग डिवाइडेड बाय रूट एन. ये हमारा क्या हो जाता है? क्योंकि सीएलटी में आप क्या बोलते हो, एक बार सुन लो. व्हेन यू से स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, कैन यू टेल मी वेयर इज दिस फॉर्मूला एस डी बाय रूट एन कमिंग फ्रॉम? हम लोग क्या बोलते हैं? कोई सीएलटी बताएगा मेरे को, एक्स बार फॉलोज व्हाट? एक्स बार फॉलोज नॉर्मल. अंडर सीएलटी एक्स बार फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन. म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन. सिग्मा, तुम क्लास में हो तो फिर एक्स बार फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन. वो जो सिग्मा स्क्वायर बाय एन है, वो वेरियंस है, उसका तुम स्टैंडर्ड डिविएशन करेगा, सॉरी स्क्वायर रूट करेगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आया ना. स्टैंडर्ड एरर यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल मीन क्या हुआ? सिग्मा बाय रूट एन, विच इज दिस जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला. यहाँ पे वाई का डेटा गिवन है, उसका हमने स्टैंडर्ड एरर निकाला. और सैंपल मीन एक्स बार, अभी तुमने सीएलटी लिखा था ना ऊपर, एक्स बार फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन, स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा सिग्मा बाय रूट एन. अब यहाँ पे सिमुलेशन यूज करके करना है 10,000, तो 10,000 बार सिमुलेट करेंगे, मीन लेंगे ऑफ सैंपल वाई, जिसमें से y से हम लोग वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करें विथ रिप्लेसमेंट करके, एंड वो जो 10,000 मीन आ रहे हैं उसका आप सिंपली स्टैंडर्ड डिविएशन. यही गलती की है पढ़ने का ने, यही मैंने बोला गलती नहीं करना है. आपको 10,000 वैल्यूज मीन के मिल गए, ये आपका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये सिमुलेशन है. 10,000 वैल्यूज मीन का मिल गया, उसका स्ट्रेट अवे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो. हाँ, 10,000 मीन का स्टैंडर्ड डिविएशन. अब क्यों यहाँ पे एस डी बाय लेंथ करोगे? Doesn't make any sense. Tell me now, पढ़ने का बोलो क्या हुआ, बोलो. हम एक बार रिपीट कर दीजिए. नहीं रिपीट कर सकते, आप लोग सुनते नहीं हो. दिस इज अ वेरी बैड हैबिट. व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू आर डूइंग समथिंग बिकॉज यू हैव दिस इन योर माइंड दैट द टीचर विल रिपीट, बट यू डोंट अंडरस्टैंड दैट इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू रिपीट अगेन एंड अगेन, राइट?
आई कैन नॉट रिपीट इट. अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं रिपीट करती, बट तुमने सुना ही नहीं है. अगर नहीं सुना तो तब मैं नहीं रिपीट कर सकती ना. आपको सुनना पड़ेगा जब मैं बोल रही हूँ. आई विल नॉट रिपीट टूडे. यू ऑल शुड अंडरस्टैंड दिस मिस्टेक. आप लोग क्लास वन में नहीं हो जहां टीचर एक चीज पढ़ा रही है तो उसको 15 बार रिपीट करेगी क्योंकि आधे बच्चे नहीं सुनते. आप लोग एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो एक्चुअली इसका. जब कुछ सामने से कोई बोल रहा है तो आपको सुनना होगा अपना वर्क स्टॉप करके, बिकॉज जो आप वर्क कर रहे हो वो आप एनीवेज कर सकते हो बाद में भी. आई विल नॉट रिपीट इट टूडे. इफ अगर अंडरस्टैंडिंग में इश्यू है तो बोलो, बट तुमने सुना नहीं है. क्लियर हुआ तुमको क्या हुआ है इधर? यहां पे हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्टली वाई का वैल्यूज गिवन है, उसका मीन निकाला. मीन का मैंने बोला कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, तो यही तो मेथड हुआ ना. बट अगर 10,000 मीन ऑलरेडी गिवन है तो उसका, हाँ सिंपल, ठीक है चलो. सो किसी ने कोड भेजा नहीं है, सो आई विल बी राइटिंग द कोड. सीट वैल्यू कितना है? 5 भी है, ठीक है. सो नंबर ऑफ सिमुलेशंस मैं ले लेती हूँ, नहीं वहीं पे डायरेक्टली ले लेंगे, ठीक है. वाई बार डॉट सिमुलेटेड रिपीट 10,000 टाइम्स, मतलब रिपीट 0 10,000 टाइम्स फॉर आई इन 1 से 10,000. क्या होगा? वाई सिम वाई बार डॉट सिम. देखो इसमें हम लोग सबसे पहले सैंपल वाई कॉमा रिप्लेस ट्रू करेंगे, तो इससे हम लोग का क्या होगा, जो वाई के वैल्यूज है बूटस्ट्रैप मेथड में क्या होता है वो रैंडमली चेंज होता रहेगा. तुमको सेम वाई में अगर 10 वैल्यूज है 10 वैल्यूज मिलेगा विथ रिप्लेसमेंट, उसका हम लोग को मीन ले लेना है, ठीक है. एंड ये हम लोग को स्टोर करना है इन द आईथ एलिमेंट. क्लियर? बस यही करना है. ये हम लोग का लूप खत्म हो जाएगा फिर. And then what do we do is just take out the standard deviation of y bar dot sim. This is the answer. यहाँ पे ये आ रहा था, यहाँ पे ये आ रहा है. इसको करो, then we'll do the next part.
बोल। ठीक है, डन, नेक्स्ट करें। आया आंसर, मैच हुआ सबका। नेक्स्ट बोल रहे, डिटरमाइन एन एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड। अच्छा ये तुमने कर लिया। डिटरमाइन अ बूटस्ट्रैप 90% कॉन्फिडेंस। मेरा नाम डिटरमाइन अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन ऑफ वाई डेटा यूजिंग सेम बूटस्ट्रैप सैंपल इन पार्ट 5। तो अब हम लोगों को क्या करने बोला है, सेम जो हमने वाई बार में निकाल लिया है, वाई बार डॉट सम में, उसका हम लोग को 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाले। कैसे निकालेंगे? क्वांटाइल y बार सिम सी 0.05, 0.95। कौन सा फंक्शन? सिमुलेशन का कॉन्फिडेंस इंटरवल। सोचो 10,000 सिमुलेशंस हैं, तो उसका अपने कैसे निकालते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। 10,000 तुमको वैल्यूज दे दिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने। कौन सा फंक्शन? क्वांटाइल। समझा? सब भूल गए। क्वांटाइल फंक्शन, वेरी गुड। क्वांटाइल फंक्शन में वाई बार डॉट सिम एंड देन यू जस्ट गिव 10%। कितना परसेंट है? 90 है, तो 5-5 कटेगा। पॉइंट 95 देख लो। ठीक है, नेक्स्ट इज कमेंट ऑन द टू कॉन्फिडेंस इंटरवल्स प्रोड्यूस्ड इन पार्ट 3 एंड 6A। अब ये हमारा आ रहा है सिमुलेशंस यूज करके। पार्ट 3 में हमने जो निकाला था विच वॉज दिस, ये जो y यूज करके हमने टी टेस्ट यूज करके निकाला था, वो ये था 2.12 एंड 3.79, और यहां आ रहा है 2.27। वेरी सिमिलर, बट अगर हम लोग विथ निकाले, विथ कैसे निकालते हैं? दोनों को माइनस करके विथ निकालो तो नेगेटिव आएगा, बट ठीक है 1.42। एंड उस केस में क्या आ रहा है विथ? तो इस केस में जो हमने नैरोअर है, वेरी गुड, जो इस केस में सिमुलेशंस यूज करके हमने कॉन्फिडेंस लेवल निकाला है, दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नैरोअर एज कंपेयर टू ऊपर वाला। सो करेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे वी हैव पार्ट 3 एंड 6A। यहाँ हमने पार्ट 3 में जो किया था, हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज कर टी टेस्ट यूज करके किया था, एंड यहाँ पे बूटस्ट्रैप किया, तो इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट सिमिलर। मतलब देखो ना, 3 पॉइंट डिफरेंस आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल, हमने अजम्पशन यही लिया ना, तभी तो हमने वैसे करके क्या, हो सकता है जो अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो करे, क्योंकि हमने 10,000 सैंपल लिया, फिर भी उतना क्लोज नहीं है जितना होना चाहिए। तो हो सकता है अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, एंड जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है, क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू बाय एस बाय रूट एन
फॉलोस टी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग बोलते हैं, वो हो सकता है टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो करता हो, तो आपका जो टी डॉट टेस्ट है वो हो सकता है गलत हो, सेम नहीं. क्लियर मैम? तो एक एडिकेट डिफरेंस क्या रहेगा कि हम बोले कि सेम है, क्योंकि 10,000 सैंपल है ना, वन ये जैसे आपका जो एक्चुअल है 1.6 है, तो ये भी सब में 1.6 के अराउंड ही आना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं, 1.59 वैसा कुछ, 1.61 वैसा कुछ. ठीक है, ओके मैम. इसमें सैंपल साइज के बारे में भी बोल सकते हैं क्या कि y का सैंपल साइज काफी छोटा है, तो आपने नॉर्मल 10 है, तो आपने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम किया वो गलत हो सकता है, वो भी बोल सकते हैं. करेक्ट. एरर कुछ और होगा, पर